नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। सहरसा में बीती रात अपराधियों ने 28 वर्षीय युवक को गोलियों से छलनी कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बाबा रघुनी हॉल्ट के पास की घटना है ये। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर सोनवर्षा कचहरी मार्ग पर शव रखकर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेरा राजकुमार का पूरा हाथ है इसमें हत्या करने में। क्यों मारा गया, क्या कारण है घटना का? उसमें पहले लड़ाई था, उसका कपार एक जगह हुसैन साहब चौक पे फोड़ दिया था। उस कारण मतलब बोला कि कभी कभी इसको मतलब सुन लेंगे, मार देंगे। और गाड़ी लिया था चेचक्का, चेचक्का का पैसा कल दे रहा था 30,000 रुपया, 30,000 नहीं दिला। मेरा भाई बोला कि पूरा 55,000 रुपया लाओ। उसमें 9:32 में उसको फोन करके बोला चाचा आइए, मतलब हम आपको पैसा दे देंगे, बलवा मेला भी जाना है। उसी घटना मतलब बोल करके मतलब पैसा भी नहीं दिया, गोली मार के बस हत्या कर दी। हम लोग को सुबह में पता चला 6:30 बजे कि आपका भाई डेट कर गया। मोकामा प्रखंड के मरंची गांव में भाकपा का 3 दिवसीय जिला सम्मेलन आहूत किया गया। आगामी 4 सितंबर को भव्य रैली के सम्मेलन का शुभारंभ होगा। इस सम्मेलन की सफलता को लेकर रविवार को नगर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला संगठन को मजबूती प्रदान करने और देश विदेश की राजनीति पर गहन चर्चा होगी। इस जिला सम्मेलन में केंद्रीय नेताओं समेत बिहार के पार्टी विधायक भी शिरकत करेंगे। खबर राजधानी पटना से है, जहां बाईपास 70 फीट के पास एक निजी होटल में संपूर्ण वैश्य सेना बिहार प्रदेश पदाधिकारी की बैठक की गई। इस बैठक का नेतृत्व संपूर्ण वैश्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि शेखर जायसवाल ने की। इस दौरान शशि शेखर जायसवाल ने मीडिया से मुखातिब भी हुए। सर देखिए, संपूर्ण वैश्य सेना का आज हम लोगों का बिहार प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी थे सभी को बुलाया गया और हम सब ने निर्णय लिया कि समाज सेवा तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोगों को राजनीति के क्षेत्र में भी आना पड़ेगा। और सभी एक मत से सहमति जताए हैं कि हम लोग राजनीति की ओर भी बढ़ेंगे और हम लोग एक पार्टी का निर्माण भी कर रहे हैं, उसका नाम भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, संपूर्ण बदलाव निर्माण यात्रा पार्टी, जो कि पूर्ण रूप से वैश्य समाज के लिए समर्पित रहेगा। लेकिन हमें समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना है, इसलिए सबको साथ लेकर के भी चलेंगे, लेकिन मुख्यतः ये जो पार्टी है ये हमारे वैश्य समाज के लिए ही समर्पित रहेंगे। और अब बात नौबतपुर थाना अंतर्गत रेगानियाबा की, जहां एक सनकी बाप ने अपनी ही बेटी को 5 गोली मारकर जख्मी कर दिया। बेटी बाप से बार बार दया की भीख मांगती रही, लेकिन निर्दयी बाप ने एक न सुनी और बेटी को लगातार 5 गोलियां मार दी, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बताया जा रहा है कि बाप को अपनी बेटी पर प्रेम प्रसंग का शक था। घर में हाथ में उठाया, छूट गया। और कितना गोली बच्ची के लगा ले? एक ही आवाज को किया है, दूसरा आवाज नहीं किया है। अच्छा, गोली ही को लगा है। हाँ, अब एक ही आवाज में इतना हुआ तो हम कैसे बता सकते। टोटल गोली बच्ची कितना लगा ले? एक ही आवाज है। एक ही आवाज है। क्या कुछ पहले से विवाद भी था क्या बच्ची को लेकर? हाँ, चिकित्सक द्वारा बताया गया कि एक मरीज आया है जिसको 5 गोली लगी है, वो लड़की थी और उन्हें उनका भी अभी 5 गोली लगी है, जिसका अभी क्या कहते हैं सीटी स्कैन हो रहा है और उसका हमने बयान लिया है। खबर मोतिहारी से है, जहां जन्माष्टमी के अवसर पर हो रहे एक अश्लील कार्यक्रम में फरमाइशी गाना पर नर्तकियों का डांस नहीं करने से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ कि दो गुटों के लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए और देखते देखते एंटरटेनमेंट का मैदान कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया और लोग एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे और चप्पल बरसाने लगे। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना जिले के संग्रामपुर थाने के पुराने बाजार की है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुट गई है। खबर दानापुर से है, जहां छापेमारी करने गई दानापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली और अवैध कांड में लिप्त शराब कारोबारी और कई कांडों में संलिप्त वंचित फरार अपराधी की गिरफ्तारी की गई। दानापुर पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की, जहां से होटल मैनेजर सहित अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 बोर का गोली, 10 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। हुई है दानापुर थाना द्वारा, जिसमें कल रात को ये सूचना मिली थी, जब गश्ती हमारी टीम कर रही थी तो उस टाइम सूचना मिली, जिसमें थानाध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद, उसके अलावा ASI मेघनाथ गुप्ता व बाकी सब जो धावा बल की टीम थी उनके द्वारा सूचना मिली गई थी कि एक होटल है, होटल ड्रीम इन, जो गोला रोड पे है सैनिक कॉलोनी के पास, वहाँ पे कुछ अपराधी किस्म के लोग रह रहे हैं। जब वहाँ पे छापेमारी की गई तो ये पाया गया कि 108 रूम में 4 लोग थे, जिनके पास से जब उनकी तलाशी ली गई तो पता लगा कि उनके पास 10 पुड़िया ब्राउन शुगर,
एक देसी कट्टा, 2 12 बोर के जिंदा कारतूस, उसके अलावा उनकी जब्ती से उनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। इनका जब अपराधी के इतिहास पता किया गया, इनसे पूछताछ की गई तो पता लगा ये ऑलरेडी 4 लोग जो हैं पहले जेल जा चुके थे। चेन स्नैचिंग के मामले में ये जा चुके थे पहले, व्हीकल थेफ्ट के मामले में ये जा चुके थे। उसके अलावा एक ये जो टोटल लोग थे, इनका नाम राजा कुमार, रॉकी कुमार, प्रकाश कुमार, उत्कर्ष कुमार, ये 4 लोग थे, 4 लोग मित्र थे। उसके अलावा पंकज कुमार जो होटल के मैनेजर थे ड्रीम इन के, उनका जब रजिस्टर चेक किया कि इनकी एंट्री है उस रजिस्टर में, जब जो विजिटर्स रजिस्टर होता है तो उसमें एंट्री पाई नहीं गई। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनका मोबाइल फ़ोन भी जब देखा गया तो उसमें पाया गया कि वहाँ पे देह व्यापार का धंधा भी इनके द्वारा किया जा रहा था। और अब बात फुलवारी शरीफ के बेतौरा की, जहां नाले में अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि बेउर थाना क्षेत्र के बेतौरा में पुल के पास नाले से अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने बेउर थाने को दी। सूचना मिलते ही बेउर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।